नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, अगर आप पशुपति व्रत एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर चुके हैं और इतनी बार करने से भी आपकी कोई कामना पूर्ण नहीं होती, तो आप इन 12 गलतियों पर ध्यान रखें। अगर आप इन 11 नियमों को पूर्ण रूप पर पूरा करते हैं तो आपको इतनी बार व्रत रखना नहीं पड़ेगा और आपकी कामना व्रत के शुरुआत में ही पूर्ण हो जाएगी, या फिर आपकी कामना अध्यापन से पहले पहले पूर्ण अवश्य होगी अगर आप इन 12 नियमों का पालन करते हैं। जब भी आप पशुपति व्रत शुरू करें तो आप अपने मन से शुरू करें, किसी की देखा देखी से इस व्रत को शुरू ना करें। हम किसी की देखा देखी से, किसी से कहे से हम व्रत शुरू कर लेते हैं तो हमें इतने नियमों का पता नहीं होता है और हम इन नियमों का पालन ही नहीं कर पाते। इसलिए हमारी कामना पशुपति व्रत एक, दो, तीन, चार बार रखने से भी पूर्ण नहीं होती है। इस अब भी आप व्रत शुरू करें तो आप मन से ही शुरू करें और इन नियमों को जानकर ही व्रत को शुरू करें। जब भी आप व्रत शुरू करें तो व्रत का संकल्प लेकर ही शुरू करें, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो कामना हमारी शीघ्र अतिशीघ्र ही पूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है कि संकल्प लेकर शुरू किया हुआ व्रत अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए आप संकल्प लेकर ही व्रत को शुरू करें। जब भी आप पशुपति व्रत शुरू करें तो आप अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखें, और अगर आप विश्वास से व्रत करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र ही भगवान शिव जी भोलेनाथ जी पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं तो आपकी क्यों नहीं पूर्ण करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। इस व्रत को शुरू करने से पहले विश्वास और श्रद्धा को ही अपने मन में बसा कर रखें और उसके बाद आप व्रत को शुरू करें तो 100% क्या 101% मुझे विश्वास है कि आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे भगवान शिव जी भोलेनाथ जी। अगला नियम, जब भी आप व्रत शुरू करें तो आप राहु काल में पूजा ना करें, कि राहु काल एक अशुभ समय है। इस काल में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा का, व्रत का, दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए आप राहु काल के समय से या तो पहले पूजा कर लें या फिर इसके बाद पूजा आप कर सकते हैं, परंतु भूल कर भी राहु काल में पूजा ना करें। सोमवार को राहु काल का समय है 7:30 से 9 तक का राहु काल का समय होता है। अगला नियम, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमो पशुपति नाथाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें और जल आप अपने घर से लेकर जाएं। अगर आप अपने घर से जल लेकर जाएंगे तो उसमें समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित होता है, वो जल स्वतः ही समाहित हो जाता है। बिना गंगा जल मिलाए जो जल हम अपने घर से लेकर जाते हैं शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए, तो इसमें समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित हो जाता है। इस जल से अभिषेक करने से घर के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो वस्तु दोष हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे वो ग्रह दोष हो। परिवार के किसी भी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का असर हो, या फिर किसी किए किराए का असर हो, या फिर रोग व्याधि कला क्लेश हो, किसी भी तरह की कोई समस्या है, सब समस्याओं का अंत हो जाता है जब हम इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कई लोगों का मानना है कि मंदिर में जल होता तो है, वहीं से जल लेकर हम अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस कामना के लिए हम मंदिर जाते हैं वो कामना हमारी पूर्ण नहीं होती। कामना को पूर्ण करने के लिए जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं। हाँ, अगर आपको किसी मजबूरी के कारण आप जल ना लेकर जाएं और मंदिर से ही जल अर्पित कर देते हैं तो 5-10 रुपए का सिक्का आप शिवलिंग को टच करवा कर दान पात्र में अवश्य डालें। जब भी आप पंचरामृत से अभिषेक करें तो आप पंचरामृत को तांबे के पात्र में भूल कर भी ना रखें, क्योंकि तांबे के पात्र में पंचरामृत रखा हुआ विष के समान हो जाता है और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अर्पित करने के योग्य नहीं रहता है। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अगर आपने पंचरामृत रखना है बनाकर, तो आप मिट्टी के बर्तन में या फिर चांदी के बर्तन में या फिर पत्तों के डोने में भी रख सकते हैं, या फिर आप स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं, परंतु आप भूल कर भी तांबे के पात्र में पंचरामृत बनाकर ना रखें।
अगला ने जब भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को आप तुलसी मंजरी, तुलसी पत्थर, तुलसी दल भूल कर भी ना अर्पित करें। हाँ, साल में एक बार दिन आता है वैकुंठ चतुर्थी, जब हर और हरि का मिलन होता है। भगवान विष्णु पर बेलपत्र और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी पर तुलसी मंजरी अर्पित कर सकते हैं, अर्पित करें और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी से आप अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। शिवलिंग पर आप टूटा तिड़का बेलपत्र ना अर्पित करें, ना ही टूटे हुए चावल अर्पित करें, ना ही आप हल्दी रौली कुमकुम शिवलिंग पर भूल कर भी अर्पित ना करें। हाँ, आप हल्दी रौली कुमकुम से माँ मंगला गौरी और गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक हमें कब जलाना चाहिए। शिवलिंग पर दीपक हम कब जलाएं, स्नान करने से पहले या फिर बाद में। सबसे पहले आप अगर आपने पंचराम से अभिषेक करना है अभिषेक करें, सबसे पहले आप अभिषेक करें। अभिषेक करने से पहले आप जल अर्पित करें, उसके बाद आप पंचराम से अभिषेक करें, उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें, उसके बाद आप दीपक जलाएं, उसके बाद ही आप बाकी पूजा करें, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। जब तक आप पूजा करें आपका दीपक जलता ही रहना चाहिए, दीपक आपके शांत नहीं होने चाहिए। उसमें इतना घी और तेल डालकर लेकर जाएं कि आपके दीपक पूजा करने के समय तक जलते ही रहें। 5 दीपक आपने शिवलिंग के सामने जलाने होते हैं और 1 दीपक आपने बिना जलाए थाली में रखना होता है, और ये एक दीपक आपने अपने घर में प्रवेश करने से पहले जलाना होता है। मेन गेट पर राइट साइड पर आपने इस दीपक को जलाना होता है अपनी मनोकामना कहते हुए। मेन गेट पर दीपक आप लंबी बाती का जलाएं, और आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, आटे का दिया भी मेन गेट पर जला सकते हैं, और आप धातु का दिया भी जला सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो आसन देकर जलाएं, डायरेक्ट धरती पर आप दीपक ना जलाएं। ऐसा करने से आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार हो जाएंगे। जब भी आप दीपक जलाएं, दीपक की दिशा उत्तर पूर्व की दिशा में होनी चाहिए। मेन गेट पर दीपक जलाने से आपके घर से बुरी शक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा, अलावला सब टल जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसलिए आप मेन गेट पर दीपक अवश्य जलाएं। अगला नियम, अगर मंदिर आपके घर के आसपास है तो आप चप्पल पहनकर ना जाएं। अगर मंदिर आपके घर से दूर है तो आप चप्पल पहनकर जा सकते हैं, चप्पल आप एक साइड पर ही उतारें। इन नियमों का आप पालन करते हैं तो आपकी समस्त काम आपकी कामना 1 या 2 व्रत करने से पहले ही पूरी हो जाएगी। पशुपति व्रत में 2 समय पूजा का विधान है, सुबह के समय और 1 प्रदोष काल के समय। अगर आप सुबह के समय पूजा नहीं भी कर पाते किसी कारणवश, तो आप शाम की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करें। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद, प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस समय पर की गई पूजा भगवान शिव जी भोलेनाथ जी तक अवश्य पहुँचती है, और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी प्रदोष काल में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। अगर आप सौभाग्यवती स्त्री हैं, महिला हैं, अगर आप सौभाग्यवती महिला हैं तो आज के दिन सफ़ेद वस्त्र आप ना पहने, आप पीले हरे लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। हाँ, अनमैरिड लड़की या पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आप चूहे के कुतरे वस्त्र, कटे फटे वस्त्र या फिर जले हुए वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। ऐसा करने से राहु ग्रह आपका गुप्त हो जाता है। राहु जब गुप्त हो जाता है तो परेशानियां आपको लगी रहती हैं। इसलिए आप कोई भी कपड़ा, कुतरा हो चूहे का कुतरा जहाँ कटा फटा जहाँ फिर जला हुआ ना पहन करके जाएं, चाहे वो धोनी ही कपड़ा क्यों ना हो, कपड़े आप साफ सुथरे ही पहन कर जाएं। पशुपति व्रत में सुबह के समय हम जो थाली तैयार करते हैं उस थाली में इतनी सामग्री रखें कि आप शाम को भी उस सामग्री से पूजा कर सकें। हाँ, आप जल आप द्वारा ले सकते हैं। जब आप सुबह की पूजा करके घर लौट आएं तो उस थाली को आपने धोना नहीं है,
साफ उसको नहीं करना, चाहे उसमें रौड़ी कुमकुम कुछ भी लगा हो, आपने उस थाली को भूल कर भी साफ नहीं करना है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जलाधारी से जल की कुछ बूंदें आप अपने घर से जरूर लेकर आए। दिव्या चमत्कारी जल होता है। अगर आप इस जल को अपने घर से घर में लेकर आते हैं तो आप अपने सबसे पहले आप मेन गेट पर दोनों तरफ सीटें लगाएं। उसके बाद आप अपने घर के कोने कोने में बाथरूम वगैरह छोड़कर सीटें लगाएं। उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों की आंखों पर इस जाल को अवश्य लगाएं। और उसके बाद जब अगर आपके घर में कोई काफ़ी समय से बीमार है, उसको दवा नहीं लगती, आप बहुत परेशान हैं, उस पर भी अवश्य सीटें लगाएं। ऐसा करने से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, उसको दवा भी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस जल को आप अपने घर में लाते हैं, घर में जल के सीटें लगाते हैं, तो घर में सीटें लगाने मात्र से ही आपके घर से वास्तु दोष या फिर किसी का किया करा हो जहाँ फिर किसी की बात दुआ लगी हो, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस जाल को अवश्य लेकर आए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी 101% कामना पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।